महाराष्ट्र आए और वड़ा पाव ना खाए तो करा गया आपने। आज मेरी किचन में यानी कि द के किचन में हम लोग बनाएंगे वड़ा पाव। सो वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पैन को गर्म कर लेंगे। जब तक पैन गर्म होता है हम लोग बेसन का बैटर बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल बैटर है, इसके लिए चाहिए हमें बेसन, इसमें जाएगा नमक, कोर्स थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्की सी हल्दी जस्ट अ लिटिल एंड सम वाटर। नाउ थिक बैटर डन, लेट्स पुट दिस ऑन टू द साइड। पैन गर्म हो गया, इसमें जाएगा ऑयल। एक गर्म पैन के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे मस्टर्ड सीड्स और हींग, लेट इट पॉप। नाउ ऐड ग्रीन चिलीज और इसमें जाएगा करी लीव्स। इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी और इमीडिएटली उसके बाद जाएंगे बॉइल्ड पोटेटोज। टॉस इट नाइसली और जो पोटेटोज हैं उसे हमें मैश करना है, सो जस्ट जेंटली स्मैश देम इन द पैन। डोंट हैव टू मैश देम कंप्लीटली, बस हल्का सा क्रश करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सॉल्ट, में डालेंगे हम सॉल्ट और इसे करीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ऑलराइट, ये अच्छे से भून गया है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बनाएंगे इसकी एक चटनी जिसे हम कहते हैं गार्लिक चटनी। गार्लिक चटनी बनाने के लिए विल हीट अ पैन, इसमें जाएगा ऑयल। सबसे पहले हम कुछ गार्लिक क्लोव्स को लाइटली सौते करेंगे। गार्लिक को हल्का पकाना है, लाइटली कुक्ड। नाउ इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से पीनट्स, वी विल लाइटली कुक देम। इसमें जाएगा सेसमे सीड्स, अगेन क्विक स्टर। जैसे ही सेसमे सीड्स पॉप करने लगे वी हैव टू टर्न ऑफ द गैस, रिमूव देम फ्रॉम फायर और आंच से हटाने के बाद इसमें हम डालेंगे चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। साथ ही में इसमें जाएगा थोड़ा सॉल्ट और ये ड्राइड कोकोनट और इसे हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। ना एक बार फिर से गैस पर हल्का सा इसे पकाएंगे, जस्ट अ लिटिल, सो दैट कोकोनट थोड़ा सा हल्का सा कुक हो जाए। ओके, जस्ट लाइटली कुक इट फॉर अनदर मिनट और टू एंड टर्न इट ऑफ। ना हमारे पास ये जार है, हम इसमें से डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। एक हुआ बंद और इसे अब हम यहां ग्राइंड कर लेंगे। राइट, चटनी तैयार है, बैटर तैयार है, हमारा पोटैटो मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हमें इसे फ्राई करना है। कढ़ाई, ऑयल, हीट इट अप। नाउ ये जो मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया, वी विल टेक अ लिटिल बिट एंड जस्ट शेप इट इनटू अ नाइस राउंड स्फीयर लाइक दिस। कोई डेफिनेटिव शेप नहीं है बट या a little round sphere is what we need like this। Now ab inhe hame besan mein dip karna hai, nicely coated aur ise fry karna hai। Let it drip, upturn, wait for 2 seconds and then drop in oil। Just rotate the oil a little so that
it don't burn from the bottom. इसे मीडियम हॉट ऑयल पर आराम से इत्मीनान से पकाना है. सो टेक देम आउट, शेक ऑफ द एक्सेस ऑयल. लवली ब्यूटीज, ये रहा मसाला और ये है पाव. व्हाट वी नीड टू डू इज टेक अ पाव, स्प्लिट इट ओपन. इसमें जाएगा थोड़ा सा मसाला ऑन द बेस, इस पे जाएगा एक वड़ा एंड हल्का सा प्रेस एंड अ लिटिल मोर मसाला ऑन द टॉप, जस्ट अ लिटिल. ऑलराइट, वी डू दिस विद ऑल ऑफ देम. ये जो चटनी है इसे हम भर लेंगे, जस्ट टू कीप ऑन द साइड इफ समबडी वांट्स एक्स्ट्रा, जस्ट फिल इट अप. ऑलराइट, टाइम टू प्लेट. प्लेटिंग के अंदर कुछ नहीं करना, जस्ट स्टैक देम अप लाइक दिस. थोड़ा सा मसाला. ऑलराइट, और वड़ा पाव विद गार्लिक चटनी तैयार है.